बताओ लघु शंका जाने के बाद क्या करने से शुद्धि होती है? लघु शंका जाने के बाद शुद्धि कब होती है? ध्यान से सुनेंगे स्त्री और पुरुष दोनों। लघु शंका जाने के बाद चार कुल्ला करना चाहिए। कितने कुल्ला? कुल्ला समझते हैं ना, मुंह में पानी डाल के उसे थूकना है। चार कुल्ला करना है, हाथ धुलना है और पांव धुलना है। जब तक चार कुल्ला नहीं करते आप, हाथ पांव नहीं धुलते, तब तक आप शुद्ध नहीं होते। आप लघु शंका गए और आपने कुल्ला नहीं किया तो आप अशुद्ध अवस्था में ही घूम रहे हैं, और उस अशुद्ध अवस्था में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है सृष्टि की, आकाश की, वह नकारात्मकता आपकी ओर बढ़ती है, क्योंकि मक्खी और मच्छर वही होते हैं जहां गंदगी होती है। तो जब आप, इसलिए कहते हैं अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा, बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि दोनों शुद्धि होनी चाहिए। सवाही आभ्यांतर, बाह्य और भीतर दोनों शुद्धि हो। अब आप लोग कुल्ला नहीं करते लघु शंका जाने के बाद, तो फिर अशुद्धि बनी, उस अशुद्धि अवस्था में आप घूमते हैं और सारी गलत बातें, गलत वासनाएं, विचारधारा आपके अंदर, फिर गलत गलत चीजें चलती हैं, गलत विचार आते हैं, क्योंकि आप अशुद्ध हैं। और यदि आप शुद्ध होंगे तो फिर अच्छी चीजें, शुद्ध विचार आएंगे, अशुद्ध विचार नहीं आएंगे। तो इस बात का ख्याल सबको रखना चाहिए। दूसरा, आप शौच करने के बाद क्या करते हैं, ये चश्मा वाले दादाजी बताएंगे। शौच करने के बाद क्या करते हो? हाथ पांव धुलते हो? हैं? क्या करते हो? ऐसे हाथ उठाते हो? नहाते हो? एक बार नहाते हो कि दो बार? और ये सफेद कुर्ता वाले भैया, शौच करने के बाद क्या करते हो आप? हाथ धुलते हो? नहाते नहीं हो? नहीं। आप शौच करने के बाद कब शुद्ध होते हैं? शौच करने के बाद आप तब तक शुद्ध नहीं होते जब तक आप स्नान नहीं करते। स्नान करने के बाद ही आप शुद्ध होते हैं। एक बार पूरा स्नान कर चुके हैं और दूसरी बार शौच करने गए तो आप जितने कपड़े पहनकर शौच करने गए वो सारे कपड़े गीले करो और कम से कम नाभि तक स्नान करो। नाभि को गीला करके कमर तक पूरा शरीर को गीला करना चाहिए, जिसे अर्ध स्नान कहते हैं। आप पूरा स्नान कर लें तो अच्छा है, पूरा ना कर सकें तो अर्ध स्नान तो करना ही चाहिए। तब शौच के बाद शुद्धि होती है, और जब तक शुद्धि शरीर की नहीं होगी तब तक विचारों की शुद्धि कभी नहीं हो सकती। लोग कहते हैं ना कि महाराज जी, तन भले साफ ना हो, मन साफ होना चाहिए। लोग ये तर्क मारते हैं कि तन भले साफ ना हो पर मन, जोर से, अरे भाई जब तन ही साफ नहीं होगा तो मन साफ हो ही नहीं सकता।